एक इंद्र भाई सर गिरदा इंद्र भाई खेल खेल अखाड़े रतनु कुल कन्या रतन और समंदर सुता इंद्रेश पुरुष तने परिधान में मां बजिया खुड़द देत सुमति कुमति निवारत बुद्धि उकति बड़े अधिकारी कष्ट कलंक विधिगत यंक बंक निसंक मिटे संदाई कर्म युधोत जुहोत कवि मा कर्म युधोत जुहोत कवि और बहुत मिले जग बीच भलाई पाप कटे सम पे बहु संपत जोदर से द्रग इंदर बाई इमें छपे में कभी कहीं बतायो है कि अगर इंद्र भाई सारे आंखें अपन दर्शन कर ला तो कहीं कहीं कटे देत सुमति कुमति निवारत बुद्धि उकति बड़े अधिकाई कष्ट कलंक विधिगत अंक के बंक निसंक मिटे संदाई और कर्म उद्योत जो होत कवि बहुत मिले जगबीच भलाई पाप कटे सम पे बहु संपद जो दर से द्रग इंद्र भाई द्रग नाम आंख्या रो आंख्या कर दर्शन कर ले इतनी चीज बोली परता प्रथिरे प्रवाड़े मा परता प्रथिरे प्रवाड़े इंद्र अंबा खेलत खेल अखाड़े जगत बाई खेलत खेल अखाड़े मधु आशोद चित्र माही मांडत खेल सुकल हेरिए अम्मा खेल सुकल सज सिण गार पदारो सगत्या सज धारो सगाव खुड़द गड वाड़े माँ गाव खुड़द गड वाड़े इंद्र अम्बा के अखाड़े
चढ़ जोगड़िया माँ चौसठ जगत भाई रम रया।
पुरानी और पारंपरिक चर्चावा है। इन महीने इंगलादान जी कवि अनुप्रास अलंकार लगायो है। एक एक शब्द मोती पोयड़ा है। अब वर्तमान समय में कोई ने समझ आवे नहीं आवे अलग बात, बाकी अनुप्रास मैं खुद पैसे में एक मास्टर हूं तो मैं थोड़ी सी एक चीज बताऊं। आपने अनुप्रास क्या करे, शब्द की आवृत्ति वे वर्ण की जो आवृत्ति होती है ना, जैसे एक ही वर्ण बार बार आता है तो वो अनुप्रास कहलावे। तो हिंगलाज दान जी जितनी भी चर्चा में सब रे महीने अनुप्रास अलंकार लगड़ो है। और ई चर्चा में इतो अच्छो अलंकार लगड़ो है, मैं अपना ये चर्चा का बोल बताऊं। हड़ हड़ हसत, हड़ का है हसत का है। हड़ हड़ हसत मस्त मदिरा मद, मस्त का मैं मदिरा का मैं मद का मैं। दड़ दड़ सिंह दहाड़े, दड़ का दे दहाड़े का द। चढ़ चढ़ चाव जोगणिया चौसठ, चढ़ का चय चाव का चय चौसठ का च। चढ़ चढ़ चाव जोगणिया चौसठ, धड़ धड़ भूमि धुजाड़े, धड़का दे धुजाड़े का ध। मतलब एक ही वर्ण बार बार आ रहा। ढम ढम ढोल, ढम का ढ ढोल का ढ। डम डम ढोल घूगरा गम गम, घूगरा का ग, गम का गय, गम का गय। क्रम क्रम कदम क्रमाड़े, क्रम का कह कदम का कह क्रमाड़े का क। क्रम 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 कदम क्रमाड़े, जांजर शब्द बजत पग झम झम, जांजर का जय झम का जय झम का जय। रम झम रास रसाड़े, रम का रे रास का रे रसाड़े का रे। इंद्रम्बा खेल तो खेल अखाड़े। मतलब बार बार जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। तो ए पौराणिक और चारणी त्रिजमायर ऐसा कहा जाता है कि हिंगलाजदान जी इंद्र भाई सारे समीप ही रहे, समकालीन थे। इंद्र भाई सारा सामी प्राण दिया, मारो बहुत बड़ो अहो भाग्य हो। तो ये पौराणिक चिरजमा है, पारंपरिक चिरजमा है, जबकि वर्तमान समय में सुनने वाला ही कम है, सुनाने वाला भी कम है। तो गुणी जन बैठा दिन में आपने सुनाई, आप लोग जगह पीछे बैठा हो थोड़ा आगे सर की नेड़ा आ जाओ थोड़ा सी। एक चिरजा आप सुनो, एक चिरजा आप सुनिया करो। थाने विनती करूं बारंबार, भवानी मारी अर्ध सुनो। बी चिरजन में गार नहीं बोल सुनाऊं, बीर बाद भीख दिन देवा पाछो दोबारा राउंड आए मैं सुनाऊं। तो बात चिरदा आप सुनो, बीर मैंने सिर्फ पांच ही चरण सुनो। आप बीर मैंने आप पांच ही चरण सुनो, और पांच चरण में गांव थिराणो जात ब्राह्मण दलूराम दस गाय दलूराम जी रे पांच चरण बने रहा है। लेकिन भी चिरदा रा टोटल लगभग 17-18 चरण है। और बात चिरदा सिंथल रा गोपदान जी चरण पारे बनाईड़ी है। और भी चिरदा मैं चरण आपने बोल सुनाऊं खाली, क्योंकि बिन गाने में कम से कम घंटो डेढ़ घंटो लाग जावे। भीख जीरो भी नंबर आनो है, बिर बाद पाछो अपन नंबर आजी। मैं आपने बोल सुनो, थाने विनती करूं मैं बारंबार, भवानी मारी अर्ज सुनो। इरो प्रथम चरण है। मेहे करे इंगलाज पधार्या, रिधु नाम दिराए, अरे सीधो हाथ भुआ सारो कीनो, जद करणी नाम कहाई, भवानी मारी अर्ज सुनो। रिधु नाम दिरायो, अरे भुआ जीरो हाथ सीधो करियो, जन कर नाम हाथ रो और करणी हाथ ने त्यार करने वाला, करणी नाम कहाई, भवानी मारी अर्ज सुनो। अगले चरण में रोटी लेकर खेत सिदाया, पिता जिमावन जाए, थोड़ी सी रिपीट कम कर दो। रोटी लेकर खेत सिदाया, अरे पिता जिमावन जाए, शेखे सुगनी सुगन बिचारियो, दही पीऊं कुलड़ी रे माए, भवानी मारी अर्ज सुनो। अगले चरण में मेल छाबड़ी मात बिराजिया, ऊपर पर्दो डाल, दो रोटी एक तासलो दिनो, सारी फौज जिमाए, भवानी मारी अर्ज सुनो। आगे सुआब पीर साठी के सासरो, देपे जी घर आए, सासू के अट बिच्छू गणाई, साठी के रे माए, आवता ही एक छोटी कन्या ने बिच्छू डंक लगाए दे और बा कन्या बट खत्म हो जावे। खत्म हुए जन वो रोड़ो कुको हुए जन बीटे करनी जी के हुयो कहीं, सासू केवे घट बिच्छू गणाए ये साठी के रे माए ने। तो बी दिन सो बी बिल्कुल आदरे बाद एक भी बिच्छू कोनी रेवे, जगदम्बा रे एक वरदान सो। और वरदान के साथ एक जगदम्बा बी टेम एक श्राप लियो, श्राप दियो। अगले चरण में के हथ बोड़े रो थाल पुरुषी और जीमन ने ना आए,
हाथ बोड़े रो थाल मैंने गांव घरारी लुगाया कोनी आवे क्योंकि माने करणी जी ने अब सुगना माने हाथ बोड़ी रो थाल पुरुषी और जीवन देना आई किया जेज करो सासू जी अट सात सवागण होवे ना आई भवानी मारी अर्ज सुनो वो एक श्राप दीदियो सात सवागणी कोनी वे साठी घेरे मारे भवानी मारी अर्ज सुनो और बी टाइम बिरबाद माँ जगदम्बा साठी के त्याग परा साठी को छोड़ जांगलू आया रिडमल राज दिराई काने भूप ने मारियो माँ सिंह बनी सुर राय भवानी मारी अर्ज सुनो बिरबाद सूखी तड़ी रूपी हाथ से सरस हुई सरसाई देसाने में भवन बनायो नेड़ी नाम कहाई भवानी मारी अर्ज सुनो बिरबाद बीके जी ने पाठ बिठाया बोले करणी माई मारा से तू बदले नाई थार रेसी राज सवाई भवानी मारी अर्थ सुनो क्यों माड़ा तो बदली मती बीके दिन एक ही शर्त राखी कि माड़ा बदलिया मती थे हर हमेशा सवाई और राज रही तो आज तक राज दरबार आज भी मतलब गंगा सिंह दरबार दे पावता ने हमेशा भुआ जी वाला कहता और गंगा सिंह दरबार ये खासियत थी बे मड में आवता और दर्द नहीं चील दर्शन नहीं होता मड उबार को निकलता और माँ जगदम्बा बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन देवता बीके जी ने पाठ बिठाया बोले करणी माई मारा से तू बदले नाई थारी रेसी राज सवाई भवानी मारी अर्ज सुनो बिरबाद जाल पलट कर कांटो कीनो मीठा बोर लगाए बारे कोसा ओरण कर दी तरसीट मारी गाय भवानी मारी अर्ज सुनो हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब बोलटेर जगह पहली हा जाल जाल पलट कर कांटो कीनो मीठा बोर लगाई अर काने भूप ने मारियो सिंह बनी सुर राय भवानी मारी अर्ज सुनो इर बाद अगले चरण महीने एक इसी महिमा रो वर्णन करियो कवि कि कोई देवता ना तो बेटो कोई परतो दे सके और ना कोई दे सकेला काई लाखन बेटो यो लाडलो हर डूबियो कुलाए तमाए बहु कवे ते सगत कहाओ आने जीवन दान दिराए भवानी मारी अर्ज सुनो लाखन जी डूब जावे तो लाखन जी पत्नी यार जगदम्बा ने कहवे ते सगती हो और इतनी बड़ा बड़ी है आप मेरी थाने संसार पूरो माने आज थारे घर में मेरी अनोनी होगी तो आने जीवन दान दे जगदम्बा कहे भगवती बैंकुट ने हकड़क दियो हलाई अरे पुर ने ऊंदो पाड़ सू मारो लाखन घर ले जाए भवानी मारी अर्ज सुनो बिरबाद धर्मराज जी यूं उठ बोलिया आयोड़ो नहीं जाए धर्मराज जी के अठाईड़ो जावी कोनी कोई यू ही कोनी मात भवानी श्रीमुख बोले लारे आई कीरी माए भवानी मारी अर्ज सुनो लारे लेउन ने कौन आयो जको जावे आज नहीं कोई आयो मैं आई और मैं ले जाऊं और एड़ो ले जाऊं के मारो जायो थार कने आवेज कोनी बठी बिरो स्वर्ग है बठी बिरो नरक है तो देश नो ग्रह मैंने जका काबा बनाया बी दिन सुई काबा बनाए दिया काबो कोई मरे तो देपावत्रे घर जन्म ले देपावत्री कोई मौत हुए तो वो मड में काबो बने कोई बिरो स्वर्ग है कोई नरक है और बी दिन एक आण दिरावे देपावता ने एक भरम है लोग लोग कई पूछा करे कोलाई तुम्हें सगड़ा ही नहीं नावे कहीं सिर्फ देपावतान वास्ते एक जगदम्बा आन दी देपावतान ने बेटा ने वंश ने कियो कोलाई तुम्हें नाजो बती कोई कोलाई तुम्हें नहा लिया तो फिर थार वो उग जुग जेवेला बाद पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बार बार कोनी आई दे क्या बात है जय हो महाराज धर्मराज जी यूट बोलिया आयोडो न जाए मात भवानी श्रीमुख बोले लारे आई कीरी माई भवानी मारी अर्ज सुनो बीर बात बे आपरे सेंदा चरणा वे किसा शेखो जी मुल्तान केद में घर बाई रो ब्याऊ बन के सावली पकड़ पंजा में फेरा सो पहली पहुंचाई भवानी मारी अर्ज सुनो शेख जगडूरी नाव समुद्रे बिजमेर अदबित गोता खाए एक हाथ से जाज तिराई गाय दुहंती रही माए भवानी मारी अर्ज सुनो थाने विनती करूं बारंबार भवानी मारी अर्ज सुनो अगले चरण में कहवे गोरा ऊपर चीन कोपियो अरे चढ़ियो भोज ले आए करणी सिंगरे सन्मुखंबे सदा रया मासाए भवानी मारी अर्ज सुनो अंत में कभी आप छाप लगवे गांव सिंथल जात चारण अरे गोपो नाम कहाए इंद्र भाई सरे सन्मुखंबे राखो मारे छतरारी छाए भवानी मारी अर्ज सुनो थाने विनती करूं मैं बारंबार भवानी मारी अर्ज सुनो इतनी बड़ी चिरजा है बोल जगदम्बे मात की जय हो अब भी जगन सुना